ऐसा पैगाम यहां से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोलिशन के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चले अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों की, के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर आप मसरूफ है, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते हैं? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात है ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूं।